हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एएस सेंटर साउथ और नॉर्थ बेंगलोर के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में बताऊंगा कि कब तक इसके एग्ज़ाम और फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएंगे, कब इसका फिजिकल होगा, क्या इसका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या होगा, फिजिकल में क्या क्या होगा। तो दोस्तों, बने रही वीडियो के एंड तक। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार वेट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि जो एएससी में अब नई जो वैकेंसी निकली है 2023 की, उसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसीज निकली हैं नॉर्थ और साउथ की तरफ से। और दोस्तों, बता दूं कि एएससी सेंटर साउथ 280C में, जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोक के पदों पर काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। सिविलियन की पोस्ट पर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, LDC, ट्रेसमैन, टेंसमैन, बार्बर। और दोस्तों, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 150+ वैकेंसीज आउट हुई थी साउथ की तरफ से 280C की थे। और सो दोस्तों, बता दो कि नॉर्थ में जो वैकेंसी आउट हुई थी किस किस पोस्ट पर निकली हैं। दोस्तों, देख सकते हैं MTS, सिविल मोटर ड्राइवर, व्हीकल क्लीनर, पेंटर, कारपेंटर आदि पदों पर यहाँ पर नॉर्थ की तरफ से 180C की जो वैकेंसी आउट हुई हैं। और इसी के दोस्तों बता दूं कि जब जल्दी इसमें एग्ज़ाम और फिजिकल कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दूं कि ये एडमिट कार्ड कब से आएंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से यहाँ पर एडमिट कार्ड आने लग जाएंगे, इसलिए कोई कैंडिडेट टेंशन ना ले और अपने फिजिकल और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से करें। और इसी के दोस्तों, मैं बता दूँ कि किस पोस्ट में क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, 3 पोस्ट को छोड़कर सभी पोस्टों में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ यहाँ पर फिजिकल किस पोस्ट में होने वाला है। तो दोस्तों, फायरमैन, ट्रेड्समैन और फायर इंजन ड्राइवर के पोस्ट में यहाँ पर फिजिकल होने वाला, और अदर पोस्ट में यहाँ पर सबसे पहले एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर फिजिकल से रिलेटेड या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर ASC से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना या फिर मुझसे इंस्टाग्राम में पर्सनल मैसेज कर देना, पूरी हेल्प की जाएगी, 100% आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और दोस्तों, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फायर इंजन ड्राइवर, फायरमैन और ट्रेसमैन के पदों पर फॉर्म भर रहे हैं, वो अपने फिजिकल और एग्ज़ाम दोनों की तैयारी अच्छी तरह से करें। और जिन्होंने कोक बार आदि पदों पर फॉर्म भर रहे हैं, वो अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट करें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक से ही यहाँ पर एडमिट कार्ड आने लग जाएंगे, इसीलिए कोई भी कैंडिडेट हमें टेंशन ना ले। और दोस्तों, यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 4 सब्जेक्ट आएंगे एग्ज़ाम में, रीजनिंग और मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, GK के 50 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के भी 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो दोस्तों देख सकते हैं, 2 घंटे का यहाँ पर टाइम रहने वाला है, और 1/4 की यहाँ की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और दोस्तों, इसी के साथ बता दूं कि फिजिकल में किस पोस्ट में क्या होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें यहाँ पर फायरमैन की, तो यहाँ पर सबसे पहले चेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 81.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम 85। और बात करें यहाँ पर वेट कितना होना चाहिए, 50 किलो का वेट होना चाहिए। और दोस्तों, इसमें भी एक स्किल टेस्ट होने वाला है। और दोस्तों, 1600 मीटर की दौड़ होती है, चाहे फायरमैन हो या फिर ट्रेड्समैन हो। दोस्तों, देख सकते हैं नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा है। दोस्तों, इस हिसाब बता दूँ कि ASC बेंगलोर की जो नॉर्थ या फिर साउथ की जो वैकेंसीज आउट हुई थी, उसके नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक से यहाँ पर एडमिट कार्ड आने लग जाएंगे, इसलिए सभी कैंडिडेट जिन्होंने फॉर्म भरा है वो अपने एग्ज़ाम और फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, पूरी हेल्प की जाएगी।